खरगोन जिले में अवैध हथियारों के निर्माण सहित खरीद फरोख्त पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार प्रयासरत है। इसी के तहत एक अवैध हथियार तस्करी का जैतापुर पुलिस चौकी ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से हथियार खरीदने आए तस्करों से 13 अवैध हथियारों और 5 जिंदा राउंड के साथ गिरफ्तार किया है। इस तस्करी के तार अवैध हथियार निर्माण और तस्करी का गढ़ बन चुके सिगनूर से जुड़े हैं। बुधवार को एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए आरोपी आदतन अपराधी है। इन पर गंभीर अपराध दर्ज है। इनके हथियार खरीदने और गिरोह से जुड़े लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी ने बताया, जैतापुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर खंडवा रोड स्थित काजलपुरा के समीप दबिश देकर 2 युवकों को पकड़ा। तलाशी लेने पर 4 पिस्टल बरामद हुई, 5 जिंदा कारतूस भी मिले। इनकी निशानदेही पर सिगनूर निवासी रोशन के घर दबिश दी, जहां से 9 पिस्टल निर्माण सामग्री बरामद की गई। तीनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। 2 अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी पुणे महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। जानकारी ये प्राप्त हुई थी कि खरगोन में सिगनूर क्षेत्र में आके अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए आए हुए हैं। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर पूरी टीम तैयार की गई और रेड की गई, तो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। दोनों ये पुणे के रहने वाले हैं। पुणे से जो इनका आपराधिक रिकॉर्ड मिला है, तो इनके अगेंस्ट में कई गंभीर धाराओं में डकैती और फायर आर्म्स के केस इनके रजिस्टर्ड हैं। इनके साथ ही जो लोकल का स्थानीय आरोपी रोशन पकड़ा गया है, रोशन बेसिकली सिगनूर क्षेत्र में अवैध हथियार बनाते हैं। तो इस प्रकार इस पूरे ऑपरेशन में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और तीनों आरोपियों के कब्जे से 13 इलीगल फायर आर्म्स जब्त हुए हैं। ये लगातार हमारी कार्रवाइयाँ जारी हैं। 2023 में लगभग 82 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 82 आरोपियों से अभी तक 285 फायर आर्म्स जब्त हुए हैं। तो इस प्रकार से जो इंटर स्टेट क्रिमिनल्स यहाँ जो मूवमेंट करते हैं अवैध हथियार खरीदने के लिए, उन पर भी लगातार हमारी निगरानी है और उनको जब भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो उन पर इफेक्टिवली कार्रवाई की जा रही है। इनका रिमांड लिया जा रहा है, पुणे पुलिस को भी हमने सूचित किया है। तो फर्दर इनके मूवमेंट्स के बारे में या खरगोन में कितनी बार इनका मूवमेंट हुआ है, उसको हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।